Good morning. I'm Hajira Khatun here from Vivek College, Associate Professor, Department of Swami Dasan Siddhant. आज का टॉपिक से आयुर्वेद इतिहास. हम आयुर्वेद क्यों पढ़ते हैं? आयुर्वेद, इफ़ यू डिफाइन योर फ्यूचर, यू मस्ट रीड द पास्ट. एंड अदर्स थिंग इज हिस्ट्री एंड हिस्ट्री टू बी रिपीट. हिस्ट्री हमेशा रिपीट होते. आयुर्वेद के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानना हमें ज़रूरी है अगर आयुर्वेद को प्रोपागेट करना है. फर्स्ट आ जाते हैं आयुर्वेद अवतारण. इसमें दो पार्ट है, देवलोक एंड भूलोक. देवलोक का जो पार्ट है वो है मिथोलॉजिकल ऑरिजिन. ये ब्रह्मा जी से शुरू होते हैं, ब्रह्मा जी, दक्ष, प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र. ये है देवलोक. भूलोक में आते हैं, इधर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, बहुत सारे ओपिनियन भी है. अकॉर्डिंग टू चरक संहिता ये आते भरद्वाज, नेक्स्ट आते पुनर्वसु, नेक्स्ट अग्निवेश एंड देयर शिष्य एंड देयर अदर्स डिसाइपल. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता ये भगवान धन्वंतरी, सुश्रुत एंड देयर डिसाइपल. अकॉर्डिंग टू कश्यप संहिता आते हैं वशिष्ठ एंड देयर डिसाइपल एंड सन्स. नेक्स्ट आ जाते हैं संहिता पीरियड. संहिता पीरियड में सबसे पुराना संहिता और सबसे बड़ा संहिता जो है वो खारपणी संहिता, वो अनअवेलेबल है. नेक्स्ट जो है ब्रह्म संहिता. ब्रह्म संहिता में सबसे बड़ा संहिता माना जाते हैं. इसमें 1000 चैप्टर्स है, 1 लाख श्लोकास है. आदर्स पॉपुलर संहिता में फास्ट आ जाते हैं बृहत्त्रयी. बृहत्त्रयी में तीनों संहिता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग विदाय एंड अष्टांग संग्रह. चरक संहिता 4 स्तर पर लिखाए गए हैं. फर्स्ट आदि उपदेष्टा आत्य पुनर्वसु, नेक्स्ट है अथर और ग्रंथकार ये अग्निवेश, नेक्स्ट वति संस्कर्ता आचार्य चरक एंड देन धीरबल, इन्होंने वति संस्कर्ता है और संपूर्ण भी माना जाते. नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता. सुश्रुत संहिता की आदि उपदेष्टा है भगवान धन्वंतरी. उसके बाद आ जाते हैं ग्रंथकार विद्य सुश्रुत. फर्स्ट पति संस्कर्ता सुश्रुत, देन संपूरक और कंपाइलेटर है नागार्जुन. इन्होंने 66 चैप्टर एज ए उत्तर तंत्र जोड़ा है. नेक्स्ट है पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रजी. अष्टंग संग्रह लिखाने 6th century AD में वृद्ध बागबर जी ने, और अष्टंग हृदय लघु बागबर जी ने 7th century AD में. इसके अलावा और जो संहिता है लाइक भेल संहिता, काश्यप संहिता, हरि संहिता, ये चरक संहिता के सामयिक है और चरक संहिता के आधार पर लिखा गया है. इसके बाद आ जाते हैं संग्रहकाल. संग्रहकाल में मोस्ट पॉपुलर जो पार्ट है ये है लघुत्रयी. लघुत्रयी में फर्स्ट माधव निदान, ये निदान में बेस्ट ग्रंथ माना जाते हैं, माधवकर ने लिखा है. इसके बाद है शारंगोदय संहिता, ये शारंगोदर जी ने लिखा है. नेक्स्ट है भाव प्रकाश, ये भाव मिश्र जी ने लिखा है. इसके समसामयिक और जो ग्रंथ है वो है सिद्ध योग संग्रह आचार्य बिंद माधव जी के. इसके बाद है शोरल के गद निग्रह एंड वासव राज्यम आचार्य वासव राज जी की. नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमेंट्री और टीका. चरक संहिता में लगभग 46 संस्कृत कॉमेंट्री है. उनमें से बेस्ट जो कॉमेंट्री माना जाते हैं वो है आयुर्वेद दीपिका, जो आचार्य चक्रपाणि जी ने लिखा है. और फर्स्ट कॉमेंट्री और टीका जो है वह चरकोन्यास भट्ट हरिश्चंद्र जी ने लिखा है. नेक्स्ट है निरंतन पदव्याख्या, वो जेडजेड जी ने लिखे हैं. और गणना सेन जी ने लिखा है जल्पकल्प तोड़ु. और योगेंद्रनाथ सेन, उन्होंने लिखा है चरक उपस्कार. हरिश्चंद्र चक्रवर्ती, उन्होंने लिखा है चरक प्रदीपिका. सुश्रुत संहिता में जो कमेंट्री है उनमें से बेस्ट माना जाते हैं आचार्य दलहन जी के निबंध संग्रह. एंड उसके अलावा भी है भानुमति कमेंट्री जो चक्रपाणि जी ने लिखा है, और बृहत पंजिका, सुश्रुत पंजिका जो गोयदास जी ने लिखा है. अष्टांग संग्रह का जो बेस्ट कमेंट्री है वह शशिलेखा, वो इंदु जी ने लिखा है. अष्टांग हृदय का मोर देन 42 कमेंट्री है संस्कृत में. उनमें से बेस्ट कमेंट्री माना जाता है सर्वंग सुंदरा, जो अरुंधत्त जी ने लिखा है. इसके अलावा है चंदनंदन जी की पदत्त चंदिका, और आचार्य हेमाद्र जी की आयुर्वेद रसायन, और श्रीकांत दत्त जी की अल्प बुद्धि प्रयोजन. मधुकोश व्याख्या ये ओनली वन एंड फुल्ली अवेलेबल कॉमेंट्री है, जो माधव निधन पर लिखा गया है और बेस्ट कॉमेंट्री भी माना जाता है. ये विजय रक्षित एंड श्रीकांत दत्त ये दोनों मिल के लिखे. आधुनिक काल में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, उनमें से कुछ जामिनी भूषण रॉय, उन्होंने लिखा है बहुत सारे बुक्स में कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे मैनुअल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, औषधि तंत्र, अगत तंत्र और इन्फेंट केयर. नेक्स्ट आ जाते हैं जादव जी त्रिकम जी. इन्होंने मोर देन 25 बुक्स एडिट किए हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता,
रसप्रकाश सुधाकर, रसरत्नाकर, इसके अलावा और अदर्स राइटर है जैसे गणनाथ सेन, उन्होंने लिखा है सिद्धांत निदान, प्रत्यक्ष शारीराम। इसके बाद आ जाते हैं प्रियव्रत शर्मा, इन्होंने मोर देन 52 बुक्स लिखे हैं। इनमें से आयुर्वेद का अनुसंधान पद्धति, आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास बेस्ट बुक कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और इसमें आ जाते हैं आधुनिक तंत्र में बहुत सारे राइटर की बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ बुक्स ही नहीं, इन्हें बहुत सारे प्रैक्टिशनर भी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये आयुर्वेद प्रोपागेशन और डेवलपमेंट के लिए जुड़ा हुआ है। फास्ट आ जाते हैं आयुष, आयुष डिपार्टमेंट 2003 में बने हैं। इनका जो मेन मोटो है वो है आयुर्वेद अपलिफ्टिंग ऑफ आयुर्वेदा इन एवरी एस्पेक्ट। इसके बाद है CCIM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, वो 2017 में बने थे। अब ये डिजॉल्व होकर 2021 में डिजॉल्व होकर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नाम से जाना जाएगा। इनका जो मेन मोटो है ऑल ओवर इंडिया में सेम कोर्स करिकुलम, सेम सिलेबस फॉलो करना है आयुर्वेद अपलिफ्टिंग के लिए, वो UG, PG और PhD लेवल में भी सेम है। अदर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन के मेन मोटो है मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोपागेशन, ट्रेड एंड पेटेंसी रिलेटेड जो भी मेडिसिनल प्लांट रिलेटेड जो भी चीज़ है ये ऑर्गेनाइजेशन की ये चीज़ की देखभाल कर लेते हैं। और CCRS के मेन मोटो है ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन इन एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो। आयुर्वेद फार्माकोपिया कमीशन दैट इज APC, APC के जो बुक्स है आयुर्वेद API, आयुर्वेद फार्मुलेटरी इंडिया और आयुर्वेद फार्माकोपिया ऑफ इंडिया टू पार्ट में ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है। और इसमें मोर देन 550 हर्ब्स और हर्बल मिनरल कंपाउंड लेकर डिस्क्राइब किया गया है। ये एक ऑथेंटिक बुक है फॉर BMS PG UG स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा WHO जो प्रोपागेशन चल रहा है ओनली मेडिसिनल प्लांट बेस्ड मेडिसिन के ऊपर, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आयुर्वेद को प्रोपागेट करने के लिए हेल्प कर देते। इसके बाद आ जाते हैं मीडिया एंड जर्नल्स, बहुत सारे जर्नल्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आयुर्वेद सन्निधि, आयुष धारा, IJM, GAIM, बहुत सारे जर्नल्स हैं और बहुत सारे मीडिया जुड़े हुए हैं जैसे नशो एट्सेट्रा। ये सारे मीडिया अभी आयुर्वेद को प्रोपागेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, नॉट ओनली नेशनल लेवल, ये इंटरनेशनल लेवल में भी जुड़ा हुआ है। एंशियंट आयुर्वेद के जो प्रमाण मिल जाते हैं और एविडेंस मिल जाते हैं वो बहुत सारे ट्रेवलर्स बुक्स में है, बहुत सारे पांडुलिपि मिल जाते हैं और बहुत सारे आर्किटेक्चर मिल जाते हैं और वेद में भी अवेलेबल है। लगभग सभी वेद में आयुर्वेद के डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अथर्ववेद में मिलते हैं, इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद की उपवेद माना जाता है। अकॉर्डिंग टू काश्यप, आचार्य काश्यप, ये इसको फिफ्थ वेद भी माना जाता है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र, अलबिरुनी ने जो ग्रंथ लिखा है और बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनल राइटर हैं उन लोगों की बुक्स में आयुर्वेद की रेफरेंस मिलते हैं।